यार तुम ना मेरी एक भी बात नहीं सुनते, मेरे को वो बैग लेना था, तुमने दिलाया नहीं यार। अरे यार इतनी सारी शॉपिंग तो करा दी उसके बावजूद भी बोल रही हो। अंकिता वो देखो सामने। अरे इसमें इसमें पानी की बोतल थी, देना ये लो। भाई उठो, क्या हो गया इसको? अंकिता इसको तो बहुत तेज बुखार है, ये उठ क्यों नहीं रहा? भाई होश आ गया, भाई उठो यहां से। ये लो पानी पियो। क्या हो गया था भाई, आप बेहोश कैसे हो गए थे? पता नहीं साहब, मैं तो काम पे जा रहा था, एकदम से सर घूमने लग गया और मैं यहाँ गिर गया। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपने मुझे उठाया, नहीं तो पता नहीं कब तक यहाँ पे पड़ा रहता। भाई मैंने देखा भी आपको बहुत तेज बुखार था, इतनी तबीयत खराब है, आपको घर होना चाहिए था, यहाँ पे क्या कर रहे हो? साहब अब आप ही बताओ, बुखार हो चाहे कुछ भी हो, नौकरी पे तो आना ही पड़ेगा, हमारे लिए तो एक एक दिन की दिहाड़ी बहुत कीमती है साहब, वो छोड़ देंगे तो परिवार कैसे पालेंगे? भाई जब आपको पता था कि आपको इतना बुखार है और इतनी गर्मी हो रही है, इतनी धूप है, उसके बावजूद भी काम करने निकल लिए, आप ही बताओ क्या ये सही है? साहब आप एक मर्द हो, आपको मालूम है कि हमारी जिंदगी में अपने लिए ध्यान देने का टाइम है ही नहीं साहब, हमारे लिए तो हमारे परिवार, उनकी खुशियाँ, उनकी जिम्मेदारियाँ वही बहुत है। बड़ी मुश्किल से मैं अपना घर चला पाता हूँ, और अगर एक दिन की भी छुट्टी हो जाएगी तो घर में चीज़ों की कमी पड़ जाएगी साहब। अरे इंसान की जिंदगी से भी बढ़कर कुछ है क्या? है ना साहब, परिवार और उनकी खुशियाँ। साहब हमें तो शुरू से ही सिखाया जाता है, जैसे ही बड़े हो जिम्मेदारियाँ, पहले माँ बाप की, शादी होने के बाद बीवी बच्चों की, बस उसी में हम निकल जाते हैं। हमें तो यही नहीं पता कि हमने आखिरी बार कब अपने लिए जिया होगा। अगर साहब मैं आज अपनी तबीयत के बारे में सोचूंगा तो फिर काम कैसे करूँगा? फिर डॉक्टर के पास जाऊँगा तो दवाई के खर्चे लग जाएंगे साहब, फिर पता है बीवी के नखरे, उसके लिए भी तो चीज़ें लेके आनी पड़ती, तभी तो खुश रहेगी साहब। सही कह रहा है भाई, एक मर्द की जिंदगी बहुत मुश्किल है, सब कुछ करने के बाद भी उसे कितना कुछ सुनना पड़ता है, लेकिन फिर भी भाई अपने शरीर पे ध्यान दो, अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, अगर खुद स्वस्थ रहोगे तो परिवार का भी ध्यान रख सकोगे, है नहीं? हाँ साहब जाऊँगा अभी, पहले एक बार काम पर जाके मालिक से छुट्टी लूँगा, फिर एक बार डॉक्टर के पास जाऊँगा, नहीं तो अगर इतनी बेकार हालत में तो मैं काम ही नहीं कर पाऊँगा, बहुत गर्मी है साहब। खैर छोड़ो, अभी आप पहले चलो, पास में एक हॉस्पिटल है वहाँ से दवाई ले लो, आप कहो तो मैं आपके साथ चल देता हूँ। अरे नहीं नहीं साहब, आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है, आपने इतना किया बहुत किया मेरे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, अगर आप दोनों नहीं होते तो मैं ऐसे ही पड़ा रहता यहाँ पे। चले जाओगे ना पक्का? मैं चले जाऊँगा साहब। ये पानी ले जाना। धन्यवाद साहब, भगवान आप लोगों को हमेशा खुश रखें। चले नितेश, प्लीज मुझे माफ कर दो, तुम मेरे लिए इतनी सारी शॉपिंग करके लाए फिर भी मैं तुमसे उल्टा सीधा ही बोलती रहती हूँ, तुम दिन रात ऑफिस में काम करते हो किसके लिए, हमारे लिए, फिर भी पता नहीं क्यों मैंने कभी कदर ही नहीं की, प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे कोई बात नहीं, आखिर मैं कमाता किसके लिए हूँ, तुम्हारे लिए और अपने परिवार के लिए ही ना, लेकिन दुख बस इस बात का होता है कि इतना कुछ करने के बावजूद भी तुम बोल देती हो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करता, और वैसे भी अब इन बातों से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, आदत जो हो गई है। अच्छा घर चलते हैं। चलो।